हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, आप सब कैसे? मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज हम बात करें कि आप किस तरीके से फोन पे को यूज करोगे और किस तरीके से उसमें रिचार्ज करोगे, बिल रिचार्ज करोगे, बिजली बिल, गैस बिल, सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो किस तरीके से आप उसको मैनेजमेंट कर सकते हो, किस तरीके से उसमें अकाउंट को जोड़ेंगे और उसमें अकाउंट को एडिट करेंगे और डेबिट कार्ड को एडिट करेंगे, ये सब चीज़ें हम बताएंगे आज को आपके बारे में। किस तरीके से आपकी UPI ID बनाएंगे, UPI को चेक करेंगे और QR कोड को देख सकते हैं, सभी चीजें हम बताएंगे किस तरीके से QR अपना कोड डाउनलोड किया जाता है। ओके, तो आज हम इनसे सभी जुड़ी बातें करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम फोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद में हम सर्च करते हैं फोन पे। ठीक है, फोन पे को करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ये आता है कि ये डाउनलोड हमने कर रखा ऑलरेडी, तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दिए, जो यहाँ पे भी वही लिखा है, सेम यहाँ पे लिखा है टू यूज भीम UPI प्लीज इंटर द मोबाइल नंबर लिंक टू बैंक अकाउंट, जो बैंक के साथ लिंक हो आप उसको लगाएं। तो वो नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पे जो बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, और सीट पे ओके करते हैं, अलाउ कर देते हैं कंडीशन को। ठीक है, यहाँ पे एक OTP आएगी। OTP डालने के बाद में यहाँ पे एक पासवर्ड डाला गया है 4 अंकों का, लॉगिन कर लेते हैं। हमने डाला हुआ अपना पासवर्ड, लॉगिन हो गए। लॉगिन के बाद में सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है एड ए बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, अकाउंट को बैंक से जो लिंक कैसे करना है, मतलब अकाउंट नंबर तो डालेगा नहीं क्योंकि ATM से ही जुड़ता है ये लिंक करते हैं। बैंक कर लेते हैं, आ गया ये। यहाँ पे ये सर्च हो रहा है, देखते हैं ये सही है गलत है। ठीक है, ये सही बता रहा है, और ये यहाँ पे बोल रहा है कि आप 4 नंबर का जो यहाँ पे चेक बैलेंस सेंड टू कॉन्टैक्ट यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे आप डन कर दें। अदरवाइज़ यहाँ पे आप पिन को रिसेट करना चाहते हैं, यहाँ पे जब लगाया जाता है सबसे पहले तो पिन लगाएंगे आप चेकों का, इस तरीके से पिन लगाते हैं, उसके बाद एक्सपायरी डेट डाल दें, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद एक OTP आती है, वो ऑटोमेटिक इसमें लग जाएगी। उसके बाद UPI सेट यू पिन, जो आपने पिन सेट किया हुआ है अपनी तरफ से बैलेंस चेक, तो यहाँ पे जाएंगे तो आप इसका बैलेंस चेक कर सकते हैं किस अकाउंट में बैलेंस कितना है। ओके, तो चेक करने के लिए भी थोड़ा वेट करें, इसमें हमने लगा दिया, पता चल जाएगा कि इसमें कितना बैलेंस है। थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ रहा है। अदरवाइज आपका अगर फास्ट नेट चलता है, आप सिटी में रहते हो, जियो यूज करते हो तो जियो अच्छा चलता है, अगर आप एयरटेल यूज करते हो एयरटेल भी अच्छा चलता है, वोडाफोन यूज करते हो तो वोडाफोन भी अच्छा चलता है। बाकी थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम से इस तरीके से सामने हमारा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा चेक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे जो इसमें फ्यूचर्स दिया गया है तो हम फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। फ्यूचर की बात करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है, हम बता दें कि यहाँ पे टू कॉन्टैक्ट, यहाँ पे जितने आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो भी नंबर से अगर कोई बना हुआ है, नंबर डालोगे, नंबर डालने के बाद में आप तुरंत बैलेंस डाल सकते हो। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर डालते हैं, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है ऊपर ऑलरेडी, जो फ़ोन पे यूज करते हैं देखिए ये आ चुका है। तो यहाँ पे हम डालेंगे अपना, थोड़ा वेट करें, ये आ चुका है देखिए, यहाँ पे बैंकिंग नाम, मतलब जो यूज कर रहा है उसका नाम आ चुका है देखिए यहाँ पे, दयाचंद। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 रुपये भी सेंड कर सकते हैं, इसमें हाई भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जैसे 1 रुपया हमने किया, हाइक आ गया, तो यहाँ पर आप UPI नंबर डालेंगे तो ये चला जाएगा, तो हम नहीं डाल रहे तो हम पीछे चलते हैं। तो ठीक है,
इस तरीके से आप यहाँ से ये डाल सकते हो। उसके बाद में आता है टू कॉन्टैक्ट, उसके बाद आप यहाँ से एड टू बैंक, बैंक को ऐड करके, जैसे यहाँ पे बहुत सारी बैंक ऑलरेडी हमने कर रखे हैं, तो यहाँ पे आप ऐड अकाउंट पे जाओगे, यहाँ पे आईएफएससी कोड डालोगे, अकाउंट नंबर डालोगे, फिर दोबारा कन्फर्म करोगे, उसके बाद होल्डर्स का नाम डालोगे, होल्डर मतलब जिस व्यक्ति का बैंक में खाता उसका नाम डालेंगे, एक ऑप्शनल नंबर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, और ऑप्शनल नाम है, निकनेम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप उसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद में वो यहाँ पे दिख जाएगा, उसको यहाँ से आप जैसे सेव किया यहाँ से टिक करके यहाँ से पेमेंट उसको भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको क्यूआर कोड, तो यहाँ से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ से भी पैसे भेज सकते हो, ये अलाउ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्यूआर कोड, अगर आपका क्यूआर कोड है तो स्कैन हो जाएगा, ओके। तो फिर पीछे चलते हैं, और उसके बाद आप अपना क्यूआर कोड देखना चाहते हो तो यहाँ से चले और अपना जो आपका प्रोफाइल है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी जीमेल को वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए जैसे हमने वेरीफाई किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप वेरीफिकेशन कोड डाल के, ये वेरीफिकेशन कोड है जो जीमेल पे चला जाता है, यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्यूआर कोड होता है यहाँ पे, ये क्यूआर है जो, ये आपका क्यूआर कोड, मेकिंग योर क्यूआर कोड, तो ये आपका, अगर इसको अगर कोई स्कैन करके पे करता तो आपके बैंक में डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे, और आप किसी के भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करोगे तो उसके अकाउंट में चले जाएगा, सेम ये फ़ोनपे के जो क्यूआर कोड होते हैं। तो आप क्यूआर कोड यहीं से एक डायरेक्ट दिया होता है, सबके यहाँ से हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मई भीम यूपीआई आईडी, तो आप यूपीआई आईडी अपनी चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखिए 9982007415@YBL, तो ये आप लगाओगे तो भी फ़ोनपे की है तो इसमें फ़ोनपे बैलेंस चला जाएगा। उसके बाद आता है बिल नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे बिल कर सकते हो, यहाँ माई लैंग्वेज, तो लैंग्वेज चूज कर सकते हो, देखिए यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं जिस भाषा में आप यूज करना चाहते हो, यहाँ पे एड न्यू एड्रेस, कोई एड्रेस को आप सेव करना चाहते हो उसको कर सकते हो, चेंज पासवर्ड, पासवर्ड चेंज करना सकते हो, यहाँ पे ये जो डिसेबल स्क्रीन लॉक, इसको जो स्क्रीन का लॉक होता है उसको बंद करना चाहते हो यहाँ से बंद कर दें, चालू रखना चाहते हैं चालू कर लें, यहाँ से हम बंद कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आता है ब्लॉक कॉन्टैक्ट, तो यहाँ से आप कोई भी कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर सकते हो। उसके बाद नीचे केवाईसी डिटेल्स होती है, आपको केवाईसी करना ज़रूरी है, आप पैन कार्ड से कर दें, वोटर आईडी से कर दें, आधार कार्ड से कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लॉग आउट का ऑप्शन है, लॉग आउट कर सकते हैं, यहाँ से पीछे चलते हैं थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे वॉलेट टॉपअप, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो एक फ्यूचर्स नहीं दिया गया, तो यहाँ पे कैशबैक जितने भी होंगे वो यहाँ पे टोटल वॉलेट बैलेंस उसको आप यूज कर सकते हो और देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सुपर फंड, ये आप किसी को भी फंड, मतलब जैसे कि अब चल रहा है कोरोना वायरस वाला, तो यहाँ से आप फंड कर सकते हो, गवर्नमेंट कर सकते हो, या फ़ोनपे ATM, तो इसकी जांच कर सकते हो कि फ़ोनपे का जो ATM है या नहीं है, ठीक है। तो इसका ये दिया हुआ है, तो ये आसपास जितने भी ATM है वो आपको दिख जाएंगे आपके दायरे में, जितने भी 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको बैक करते हैं। उसके बाद स्विगी का ऑप्शन आता है, स्विगी को आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, यहाँ पे ऑल ऑफर, आप ऑल ऑफर को चेक कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिस कैटेगरी का आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए हेल्थ वाला, रिचार्ज वाला, शॉपिंग वाला, यहाँ पे जो शॉपिंग वाले पे जाएंगे रिचार्ज बिल पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जितने भी ऑफर, यहाँ पे लेटेस्ट ऑफर आपको मिल जाएंगे। रिवार्ड्स, जो आपको रिवार्ड्स मिलेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे हमको टोटल जो रिवार्ड्स मिले 350 वो आप यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको भी मिल जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे फ्यूचर रेफर अर्निंग का सबसे अच्छा है इसमें, अगर किसी को रेफर करते हो और फर्स्ट टाइम वो ट्रांजेक्शन करता है मिनिमम 100 रुपये से ज़्यादा का, तो आपको 100 रुपये का वो मिल जाएगा रिवार्ड, तो रिवार्ड को आप रिचार्ज में ले सकते हो, बिल में कर सकते हो, उसमें ले सकते हो। उसके बाद रिचार्ज एंड पे बिल्स, यहाँ पे आके यहाँ पे बहुत सारे फ्यूचर हैं, तो यहाँ से आप मोबाइल पर जाकर आप मोबाइल नंबर डाल के, कोई सा भी A to Z जब मोबाइल नंबर डालोगे, तो जैसे हमने ये डाल दिया यहाँ पे, कोई सा भी आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद ये दो कंडीशन आती है, यहाँ पे वॉलेट का अगर ऊपर का सेक्शन होता है, वॉलेट में बैलेंस हो, देखें 0 बैलेंस है, तो वहाँ से डाल कर सकते हैं, यहाँ से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलो ये तो यहाँ तक हो, DTH का कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का बिल भर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का बिल, पोस्टपेड, LIC पर में डोनेट, मतलब आप किसी को, मतलब जो गरीब होते हैं उनको एक रूप, मतलब ये मान लीजिए संस्था होती है, उनको भेज सकते हो, यहाँ पे सिलेंडर बुक कर सकते हो, ब्रॉडबैंड का भी, लैंडलाइन का, वाटर का भर सकते हो, इंश्योरेंस का कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे आप गिफ्ट कार्ड भी खरीदना चाहते हो फ़ोनपे का, तो वो भी खरीद सकते हो। तो ये गिफ्ट कार्ड है जो यहाँ से आप सेंड भी कर सकते हो, यहाँ पे ये भी दिख जाएगा कि सब्सक्रिप्शन किसने किसने लिया वो देख सकते हो, यहाँ पे स्कूल की फीस भर सकते हो, फास्ट टैग रिचार्ज हो सकता है, लोन रिप्लेसमेंट हो सकता है, गूगल से अगर यहाँ पे आप गूगल को भी अगर कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको पैसे मांग रहा है तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। तो ये सभी तरीके की यहाँ पे आपको डाटा कार्ड है, जो डाटा कार्ड वाला एक ये आता है उसको भी यहाँ पे यहाँ रिचार्ज कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, साथ ही साथ ये प्ले स्टोर
स्टोरेज है यहाँ पे, आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें की स्टोर को दिख जाएंगी जो इसका स्टोर है, ठीक है। जैसे आपके गोल्डी, मित्रा और रंजीत स्टोर है, ये सभी आसपास के जो भी हैं वो आपको दिख जाएंगे। उसके बाद में आता है स्विच, यहाँ से स्विच के ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे बहुत सारे जितने भी ये पॉपुलर और फीचर्स वाले होते हैं जैसे रेड पास या कुछ और भी यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं वो आपको दिख जाते हैं। मई मनी, तो यहाँ पे जाके आप गोल्ड है उसको खरीद सकते हो, इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो, टैक्स सेविंग फंड उसमें कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रेवल वो कर सकते हो और लिक्विड फंड्स वो कर सकते हो आप। उसके बाद पेमेंट मेथड पे हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे बैंक अकाउंट, यहाँ पे जाके अगर आप एक से ज़्यादा जोड़ना चाहते हो बैंकों को तो यहाँ पे जाएं, देखिए ऑलरेडी इसमें पहला एक जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऐड सेक्शन पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक है इसको सर्च करते हैं तो ये हमारे नंबर में नहीं है तो ऑलरेडी ये है तो ये लिखा हुआ ट्राइगन, तो यहाँ से हम गोल्ड के पीछे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड है उसको आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पर डेबिट कार्ड को एड न्यू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को जोड़ सकते हो यहाँ पर, ये सभी चीज़ इसमें दी गई। देख फ़ोनपे वॉलेट है, गिफ्ट कार्ड, जियो मनी, अगर जियो का अगर यहाँ मान ले कोई आपके पास है तो वो जियो का भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो, फ्री रिचार्ज उसको भी यहाँ से यूज कर सकते हो, ऑटो पे मतलब पेमेंट मैनेजमेंट उसको कर सकते हो, रिमाइंडर इसमें घंटी बच जाती है अगर आपका कोई नोटिफिकेशन मान लीजिए आपका कोई ट्रांजेक्शन फ्लैट हुआ या रिफंड हुआ तो उसका भी आपको बैल यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर आप जाके हिस्ट्री में आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि यहाँ पर आपने किस किस को पेमेंट किया है, देखिए यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किया हुआ 18 रुपये तो 14 रुपये 1 रुपये ये सब भी आपको ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। आप इसका देखना चाहें तो यहाँ से ये पूरा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन आईडी क्या क्या किया हुआ, कौन सी तारीख किया हुआ ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल किया हुआ, 1:10 और 15 अप्रैल 2020, ये सभी आपको यहाँ से फीचर्स जो बहुत ही अच्छा खासा आपको फीचर्स देती है आपको मेंटेन करने के लिए, इसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ साथ हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, याहू, फेसबुक सभी पर हम फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया, वहाँ से फॉलो करें और नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन पे का लिंक डाल दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है तो आपको उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद में आप उसके बाद उसमें सबसे पहले अपना नंबर डालें जो बैंक में जुड़ा हुआ है और उसके बाद उसको वेरीफाई कर दें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।